हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। क्या हुआ बेटा? हाँ, सो अभी बस मैं नहा के आ रही हूँ। आज मैं सुबह सो गई थी, नाश्ता वगैरह बनाया, लंच वंच सब कुछ दे वे के और मम्मी को बोल के मैं सो गई कि मम्मी मुझे आज एक दो घंटे सोना है, तभी जाके मैं कल या आगे खड़ी हो पाऊँगी। वरना मतलब मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। ये तो मुझे पता ही है क्यों हो रहा है, रेस्ट ना करने की वजह से, बट पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा है और डॉक्टर को दिखाना है, अपॉइंटमेंट ले लिया है। अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, नाश्ता भी नहीं किया है, सो गई थी बस। मैं एक गिलास दूध पी के और खजूर खा कर मैं सो गई। पतिदेव आ चुके हैं ऑफिस से और अभी मेरा काम कराएंगे। थोड़ा फ़ोन पकड़ो, ये वाला उठाना है बेड। यहाँ पे मैंने बेड खोला और बेड खोल के देखा कि मेरे पास क्या क्या कपड़े हैं, क्योंकि कई कपड़े ऐसे होते हैं ना बेड में रख देते हैं और फिर ध्यान नहीं आता, और जब कहीं जाना होता है तो बस ढूंढते रहो। तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं देखती हूँ कि नया मेरे पास या एक ही बार यूज़ किया हुआ क्या क्या कलेक्शन रखे हुए हैं। ये गाउन मैंने सिर्फ अपने एक बार अपनी एनिवर्सरी पे पहना था, उसके बाद ये ऐसे ही रख दिया, तो मैंने सोचा कि इसको भी यूज़ कर लूँगी किसी फंक्शन में। दूसरा ये वाला ड्रेस भी था, ये भी मैंने कहीं एक बार ही पहना हुआ है, याद भी नहीं है कब पहना हुआ है, और ऐसे ही रखा हुआ था, तो सोचा कि इसको भी यूज़ कर लूँगी। फिर सारे कपड़े निकालने के बाद मैं पहुँच गई थी किचन में, क्योंकि किचन में बनाना था रात का खाना, तो रात के खाने में दाल चावल सोचा रख देती हूँ, उसके बाद में सब्ज़ी बना लूँगी। सब्ज़ी मैंने सोचा था कि आज सिंपल से सब्ज़ी बनाऊँगी, ज़्यादा तामझाम नहीं करूँगी सब्ज़ी में, तो बहुत सिंपल सा आज खाना बनाया था और काफ़ी टेस्टी बना था आज की सब्ज़ी। मैं ना मसाला सब्ज़ी का बहुत ज़्यादा भूनती हूँ, जिसके चक्कर में मुझे हमेशा डांट भी पड़ती है मम्मी से कि इतना ज़्यादा मसाला क्यों भूनती हो, बट मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर मैंने सब्ज़ी झोंका, खाना बना लिया रात का, और फिर खाने का टाइम हुआ तो खाना सबका निकाल दिया। सो गाइस, दोनों बच्चे चले गए स्कूल और आज दोनों जने ऑफिस भी चले गए। सुबह मैंने सब्ज़ी बनाई थी, थोड़ी सी बनाई थी जल्दी जल्दी के चक्कर में, क्योंकि लेट हो रहा था और आज सुबह उठने में इतना लेट हो गया था मुझे, तो मैंने जल्दी जल्दी से सीताफल की सब्ज़ी मम्मी ने रात को काट के रखी थी वो थोड़ी सी बना दी थी, तो वो गल के सीताफल तो इतना सा हो जाता है, तो वैसे ही हो गया था। सो अभी मैंने सोचा कि मैं जस्ट नहा वहा के आ रही हूँ, पूजा पाठ कर लिया है, अब मैं सोच रही थोड़ा सा सब्ज़ी बना लूँ, क्योंकि पापा जी और मम्मी भी अब नहाने के लिए गए हुए हैं, तो उनके आने से पहले जो सब्ज़ी है वो बना के रेडी कर लूँगी, ताकि जब वो आएँ तो आराम से खाना दे देंगे। अपनी एक लाइफ की छोटी सी स्टोरी जो चल रही थी वो शेयर करूँ, शायद मैंने ये चीज़ कभी किसी के साथ इतना शेयर किया नहीं है। सो आपको बताएं, मेरी लाइफ में ना कुछ समय पहले, कुछ साल पहले ऐसी सिचुएशन थी कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि अभी मैं जहाँ पे स्टे कर रही हूँ, कि मैं अपनी मर्ज़ी से जब मेरा मन करता है कि जो चीज़ मैं चाहूँ लेना वो मैं ले लेती हूँ, चाहे वो मैं अपनी बेटी के लिए जो चाहूँ करना वो मैं कर लेती हूँ, बट इस मेरी जो लाइफ है ना हमेशा से ऐसी नहीं थी। शुरुआती दिनों में इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल इशू होता था ना, क्योंकि उस टाइम पे हमने बैक टू बैक इतने काम कर दिए थे, हमने गाड़ी ले ली थी, घर का इंटीरियर करा दिया था, इस सारी चीज़ों की वजह से हमारा जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि जिसकी वजह से मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। और ऐसा नहीं है कि कुछ काम ऐसा नहीं चल रहा था, काम भी बहुत अच्छा चल रहा था, बट जिस हिसाब से चीज़ें चल रही थी, काम जिस हिसाब से चल रहा था, उस हिसाब से ना मैं अर्न नहीं कर पा रही थी, और जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मतलब परेशान रहती थी, डिप्रेस रहती थी। समझ ही नहीं आता था कि यार लाइफ में ऐसी चीज़ें अचानक से कैसे हो गई, क्योंकि शुरू से ही मतलब था, और बहुत सारी चीज़ों के लोन से भी हम लोग परेशान थे, उसकी EMI वगैरह भी जाती थी बहुत सारी चीज़ें। सो ऐसे ही ना मतलब मैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स वगैरह से रिलेटिव से ऐसे डिस्कस करती रहती थी कि यार ऐसे ऐसे इशू हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, काम इतने अच्छे से चल रहा है बट जिस हिसाब से काम चल रहा है उस हिसाब लाइक मैं अर्न नहीं कर पा रही हूँ। तो उन्होंने ना मुझे सजेस्ट किया कि किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखाओ और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात करके देखो। ना सबके कहने पे मैंने सोचा कि सब लोग इतना कह रहे हैं, इनकी बात मान लेनी चाहिए और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात कर लेना चाहिए। तो मैंने ना एस्ट्रोटॉक पे एस्ट्रोलॉजर विधि जी से बात किया, एंड सच बताऊँ उनसे बात करने के बाद ना
मैं एकदम हैरान हो गई, क्योंकि उनसे जब मैंने चीज़ें बात की, समझी उनकी बातों को, उन्होंने जो चीज़ें मेरे बारे में बताई, बहुत सारे डिटेल्स मैंने उनको नहीं बताया था, बहुत लिमिटेड चीज़ें मैंने उनको बताई, उससे उन्होंने जो चीज़ें बताई मैं एकदम हैरान थी। और मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा उनसे कि यार इनको इतनी सारी चीज़ें कैसे पता, ये सोच के मैं एकदम सच में मैं बताऊँ कि ऐसे ना मेरा दिल हल्का हो गया जब मैंने विधि जी से बात किया और उन्होंने मुझे ना कुछ सॉल्यूशंस बताए, कुछ चीज़ें बताई करने के लिए, और वो चीज़ मैंने उनके अकॉर्डिंग जैसे जैसे उन्होंने मुझे बताया था उसके हिसाब से मैंने वो करना स्टार्ट किया एंड मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, मुझे लगता है कि शादी से रिलेटेड, फाइनेंशियल इशू, हर चीज़ का, मतलब सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होता है, बट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आपको तरीका पता होना चाहिए, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आपको मिलना चाहिए। सो मैंने ना लिंक दे दिया है एस्ट्रो टॉक पे, आप लोग जाके और विधि जी से बात कर सकते हैं, आपकी जो फर्स्ट चैट है वो बिल्कुल फ्री होने वाली है। सो देरी मत करिए, आप भी किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ, जैसे मैंने बताया ना विधि जी, तो विधि जी के साथ आप भी जुड़ के और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा सकते हैं। सो गाइस, मैं और मम्मी जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि इसी में तीज की तैयारी भी करनी है, मम्मी को देना है ब्लाउज सिलने के लिए। अभी मेरी तो साड़ी ही नहीं आई है, तीज की खरीदी नहीं है, तो मैं अपना देखूंगी कब तक सिलवाती हूँ, कब तक क्या करती हूँ, बट मम्मी का है ये सब, मम्मी का दे देते हैं तब तक सिलने के लिए। फिर वहाँ से जाएंगे हम सुनार की दुकान पे, फिर मार्केट जाएंगे एंड देखते हैं और क्या होता है। निकल गए, मम्मी आ रही है, मैं आ गई, धनवी भी स्कूल से आ जाएगी, अभी 12 बज रहे हैं, 1:30 बजे तक आएगी, 1:30-2 बजे तक, तब तक हम लोग मार्केट से काम निपटा के और आ जाएंगे। भैया 5511। तो गाइज, ये जो ब्लॉग है ना, ये 22 का ही है डे का, बट मैंने ये सोचा कि मैं आप सभी के साथ बाद में शेयर करूँगी। रीज़न ये है कि कभी भी मेरे को ऐसा लगता है, जैसे कि आपने राखी वाला गिफ्ट भी देखा था, मैंने बाद में आप सभी के साथ शेयर किया था, फिर ना ऐसे ब्लॉग में पहले ही शेयर कर दो तो फिर अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने सोचती हूँ कि पहले फंक्शन गिफ्ट वगैरह जो देना है वो सब निपट जाए, उसके बाद मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी, वरना फिर ब्लॉग के थ्रू तो सारे रिलेटिव सब लोग देखते ही हैं, तो पहले ही देख लेंगे तो फिर वो एक गिफ्ट वाली बात ही नहीं रह जाती है। तो इसीलिए इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी, मैं और मम्मी दोनों जने निकल गए थे, यहाँ मम्मी अपनी तबीयत का कुछ बात कर रही थी कि मम्मी की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है, तो वही मुझसे बोल रही थी तो मैं उनकी बात सुन रही थी। तो गाइस, फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं मार्केट, मम्मी ले रही है अमरूद, क्योंकि घर पे आज पूजा भी है तो फल फ्रूट भी लेना है, यहाँ पे अमरूद ले रही है। उसके बाद हम लोग सबसे पहले गए चूड़ी की दुकान पे, तो यहाँ पे मम्मी के साइज़ की चूड़ी मिलना बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चूड़ियों का कलर मिल गया, तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी इतना मुश्किल से आपका मिला है तो एक साथ जो भी समझ में आ रहा है वो ले लो, क्योंकि हर शॉप पे नहीं मिलती है एंड यहाँ पे एक से बढ़कर एक चूड़ियों का कलेक्शन था। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं भी चूड़ी पहनना स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैं बहुत कम चूड़ी पहनती हूँ, ज़्यादा मैं चूड़ा ही पहनती हूँ, क्योंकि ना इसलिए नहीं पहनती क्योंकि सेट लगाने का बहुत झंझट होता है। फिर हम लोग ज्वेलर्स की शॉप पे गए और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कड़े चांदी के, सो धनवी के लिए भी एक लेना था, क्योंकि धनवी का जो अभी पहन रही है, काफ़ी टाइम से पहन रही थी, तो सोचा कि उसका भी चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे हमने कड़े देखे एंड कौन सा लिया मैं आपको आगे दिखा दूँगी। बहुत ही सुंदर सुंदर कलेक्शन थे इनके पास, और जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो इस तरीके का अच्छा लगता है पहनने में। लास्ट टाइम जब बबनी हुई थी, छठियार था, तब हम लोगों ने उनके लिए गोल्ड के इयररिंग्स लिए थे और वो लिया था नज़रिया, तो इस बार हमने सोचा कि ये दे देते हैं, एंड ये इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, आजकल ऐसा ही मतलब अच्छा लगता है बच्चों के हाथ में, सो हमने ये वाला डिसाइड किया था। एंड धनवी के लिए हमने सिंपल लिया था, क्योंकि स्कूल के हिसाब से धनवी के लिए लेना होता है कि चोट भी ना लगे और स्कूल में अलाउ भी कर दें। उसके बाद जो साड़ी देने थे, साड़ी कपड़े, उसके पेटीकोट वगैरह नहीं लिया था, ये मेरे साथ हमेशा है, मैं कभी भी साड़ी या कुछ भी लेती हूँ ना तो पेटीकोट लेना भूल जाती हूँ, इसके लिए दादी ने मेरी बहुत बार डांटा भी है कि बिना पेटीकोट के कपड़े नहीं देना चाहिए, बट मुझे सच बताऊँ याद ही नहीं रहता है, कहते हैं अच्छा नहीं माना जाता है, किसी भी साड़ी में पेटीकोट ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। फिर हम दोनों सास बहू की पूरी शॉपिंग हो गई और फिर हम लोग घर के लिए निकले, इतनी ज़्यादा हम दोनों की हालत ख़राब हो गई थी ना थकान की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में। सो गाइस, मम्मी गई है टेलर के यहाँ पे कपड़े देने के लिए, और मार्केट में हमें 2:04 बजे से हमें निकलना था वेन्यू पे, बिकॉज़ हमारे घर से 2.5-3 घंटे का रास्ता है, 2-2.5 घंटा तो लगेगा
तो हम लोग सोच रहे थे कि टाइम से निकल जाए कि ट्रैफिक में ना फंसे शाम का जो ट्रैफिक हो उसमें, बट कहाँ निकल पाएंगे, दो दो बज गया, घर जाएंगे थोड़ा सा कुछ खाना पीना खाएंगे करते करते और पूजा पाठ करेंगे भाभी, उसके बाद ही हो सकेगा तो निकलेंगे, देखते हैं कैसे होता है सारी चीज़ें। और बाकी मैंने एक ड्रेस ली है, आई नो आप लोग गुस्सा करेंगे मेरे पे कि कितने कपड़े खरीदती है, लेकिन जब कुछ ऐसा ओकेजन होता है उस हिसाब से चीज़ें कभी कभी समझ ही नहीं आती है। अब जिस हिसाब से फंक्शन सब बोल रहे थे हैं उसमें सब साड़ी तो हमेशा ही पहन के जाती हूँ, तो मेरा मन था कि साड़ी ना गाउन पहन लूँ, तो गाउन मेरे पास सारे थोड़े हैवी हैवी थे और उतना हैवी फंक्शन में अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सिंपल सा कुछ चाहिए था तो अभी कुछ सिंपल सा लिया है। आओ बाकी देखते हैं। फाइनली हम लोग आ गए घर, अभी आज इतनी सारी शॉपिंग हुई है, मम्मी वहीं पर रुक गए फल वल लेने के लिए क्योंकि रास्ते में सिर्फ दो ही फल मिला और पांच फल लेना था, आम और अमरूद ले लिया था, तो वहाँ से सब्जी के वहाँ से फल लेके फिर पैदल पैदल आ जाएंगे। मैं सारा सामान उठा सामान ये क्या कर रहे थे? दादी आ रही है, क्या कर रहे थे पहले बता। दादी तो रोएगी अब क्या? अब वही बैठेगी दादी कोई थी। अब क्या कर रहे थे? सो गाइज उसके बाद फिर यहाँ पे जो गिफ्ट्स लेके आई थी मैं, मैंने सोचा कि आप सबको भी दिखा दूँ। ये एक ड्रेस है, ये ड्रेस मुझे बहुत प्यारी लगी थी बबनी के लिए, ननद साहिबा की बेटी के लिए, तो आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट में बताइएगा। और मेरी धनवी को लगा कि धनवी की ड्रेस है, तो जब मैंने बोला कि नहीं छोटा बेबी का है तो धनवी को लगा कि अरे मम्मा फिर ये दूसरा वाला मेरा होगा, तो मैंने बोला नहीं ये भी आपका नहीं है ये भी छोटा बेबी का है, तो थोड़ा सा मायूस हो गई। बच्चे ऐसा करते हैं। वैसे मैं धनवी का भी उसी टाइम पर मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लिया था जो धनवी आज ड्रेस पहनेगी। आप लोग धनवी का लुक का भी वेट करिएगा, बहुत सुंदर सी ड्रेस है, कुछ अलग सी है। अब पता नहीं धनवी को पहनाऊंगी तो उसके में कैसी लगेगी ये तो मुझे नहीं पता। और एक ये वाली ड्रेस ली थी बबनी के लिए, मैं कपड़े सॉफ्ट दे के लिए थे क्योंकि अभी छोटी हैं वो, और वो बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े ना नहीं पहनती हैं, तो उस हिसाब से मैंने एकदम सॉफ्ट फैब्रिक में ही फ्रॉक चाहे सॉफ्ट फैब्रिक में वो ड्रेस भी ली थी। ये कौन है कच्चू पार्टी? पहले आइस क्लोज करो जल्दी, जल्दी आइस क्लोज, जल्दी जल्दी जल्दी, थोड़ा आगे जाओ, दिख नहीं रहे हो आप, दिखाओ को। ये अरे खुल नहीं रहा है, रुक जाओ भाई। नया चूड़ी और धनवी स्कूल में मैम ने क्या बोला है बताना थोड़ा। और कैसे मेकअप करना है सुनो क्या बोला इधर मेरे को, क्या मैम ने बोला है राधा बन के आना और एकदम सुंदर सा मेकअप करा के आना है। किसकी तरह? राधा जैसे, परी जैसा नहीं, राधा जैसे। थैंक यू बोले दादी को, अच्छा लग रहा। ये कौन सा थैंक यू था भाई, इतना प्यारा थैंक यू तो मम्मा को नहीं बोला कभी। आइए ड्रेस के साथ आज पहन लेना ठीक है। हम लोग मार्केट से आ गए घर और आप लोग को मैंने गिफ्ट भी दिखा दिया। अब मैं ब्लॉग को करती हूँ एंड और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, प्रेस कर दे बेल आइकन ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पे मिलता रहे। और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा पूजा पाठ में, पूजा पाठ हो जाए चौथ का, उसके बाद रेडी होंगे और फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे। अभी मैंने पतिदेव के कपड़े भी नहीं देखे, वो बोल के गए थे कि लेके आना क्योंकि वो ऑफिस से डायरेक्ट आएंगे वेन्यू पे जहाँ पे पार्टी हो रही है,
तो अभी मैं जा रही हूँ और अपने बाल में सोच रही हूँ इस बार कर्ल कर लूँ, हमेशा स्ट्रेट ही रहता है, अगर हो गया अच्छे से तो। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। लॉट्स ऑफ लव, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।